हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो का जो नाम है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियोस टाइटल। सो दिस इज अबाउट डेटा माइनिंग बेसिकली। सो more specifically I will target data mining, how to do that. So let me tell you what is data mining. Data mining is general terms means mining or digging deep into data. Data ke andar bahut deep mein ja rahe hain, okay? That is different form of gain patterns and to gain knowledge of that pattern. ये है ना डिफरेंट फॉर्म है जिससे कि हम गेन कर सके पैटर्न को और गेन कर सके नॉलेज को on that pattern, उस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर हम एक नॉलेज गेन कर सकें। इन दिस प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग लार्ज डेटा सेट्स आर फर्स्ट शॉर्टेड। जो बड़ा डेटा सेट है ना वो पहले शॉर्ट किया जाता है। देन पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिलेशनशिप्स आर इस्टेब्लिश्ड टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो और बाद में क्या किया जाता है ना कि जो पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में उनके अंदर रिलेशनशिप बिठाया जाता है टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। फिर बाद में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपका जो डेटा माइनिंग है वो एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है माइन करना है या फिर डिगिंग करना डेटा के अंदर, डीप इन द डेटा, ठीक है? सो डिफरेंट फॉर्म के अंदर हम डीप में जाएंगे कि हम कोई पैटर्न को निकाल लें और उस पैटर्न से हम एक नॉलेज को गेन करते हैं। तो इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग की जो एक प्रोसेस है उसके अंदर लार्ज डेटा सेट है वो फर्स्ट शॉर्ट किए जाते हैं। पहले उनको शॉर्ट कर लिया, फिर बाद में उनके अंदर जो पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर बाद में उनके अंदर रिलेशनशिप बिठाए जाते हैं कि भैया उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकें और फिर बाद में हम सॉल्व कर सके उस प्रॉब्लम को। सो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डीप डिगिंग डीप, फिर बाद में फाइंड पैरामीटर, सॉरी फाइंड गेन करते हैं हम पैटर्न, पैटर्न्स को गेन करते हैं, ठीक है? फोर्थ में फिर बाद में हम गेन करते हैं नॉलेज उसके आधार पे, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, नॉलेज के बाद में हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाइड हो जाता है यहाँ पर और रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स हैं वो आर इस्टेब्लिश्ड प्लेस्ड, ओके? सो ये सारे काम होने के बाद में ये किस लिए होते हैं, टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस। इसके बाद में सिक्स स्टेप में हम परफॉर्म करते हैं डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस को, और सेवन्थ स्टेप में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा माइनिंग। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके? So the goal of the classification is to build a model that accurately predicts the class labels of new instances based on their features. ये तो हमें पता ही है। अब there are two main types of classification that we already knew, that binary classification and multi class classification. Binary के अंदर yes or no है और multi class के अंदर आपको पता ही है कि different different classes होती है, एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा classes होती हैं, ठीक है? The process of building a classification model typically involves the following step. एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर बाद में उसको एक्सप्लोर करूंगा वो अलग से। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया डेटा कलेक्शन। भाई डेटा कलेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज डेटा कलेक्शन। इन दिस स्टेप द डेटा रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम एट हैंड is collected. The data should be representative of the problem and should contain all the necessary attributes and labels needed for classification. The data can be collected from various sources such as surveys, interviews, websites and some kind of databases. Okay, so first task has been done.
Second task, we will do data pre-processing. Data pre-processing. In data pre-processing, this is the second step. The collection data, collected data need to be pre-processed to ensure its quality. हम जो जो भी डेटा लेके आए हैं तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है यार. दिस इन्वॉल्व्स हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, डीलिंग विद आउटलायर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर एनालिसिस. डेटा प्री प्रोसेसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म ऑल्सो, एज मोस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम रिक्वायर न्यूमेरिकल इनपुट. भाई साहब, आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम अबाउट दिस पॉइंट, डोंट फॉरगेट इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि जितने भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं उनको न्यूमेरिकल इनपुट ही चाहिए भाई. हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, सो देख यार, इसी के अंदर ही आता है कि हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करते हैं. अगर ये सब चीजें आपने नहीं देखी है, नहीं पता है भाई, तो पिछले वाली वीडियोस में जाओ और वहां जाकर देख लो मेरे भाई, मिसिंग वैल्यूज. फिर बाद में हम डीलिंग विद आउटलायर्स, डीलिंग विद आउटलायर्स. ओके, एंड देन वी विल डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फीचर सेलेक्शंस. फीचर सेलेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यार. लेट मी टेल यू, यू माइट बी हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स बिफोर ऑल्सो. आई विल टेल यू दिस थिंग्स वन मोर टाइम एंड देन कोरिलेशन एनालिसिस. कोरिलेशन एनालिसिस, ओके. And then we have information gain. Information gain. Okay. So let me tell you one by one. Maybe you heard about dealing with outliers. Outliers in the data set can be detected using various statistical techniques such as Z0 analysis, box plot, and scatter plot. तो इसके लिए भी techniques है यार. Z score हो गया. हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं यार. मैं बार बार मैं क्या ही बताऊँ आपको. बॉक्स प्लॉट हो गया, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है. सो आउटलायर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा सेट और रिप्लेस्ड विद द मीन मीडियन और मोड ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फीचर. ओके, इसको हम मीन मीडियन मोड से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व स्केलिंग और नॉर्मलाइजिंग द डेटा टू ब्रिंग इट इनटू अ कॉमन स्केल, कि हम उसको एक कॉमन स्केल के अंदर लेके आ रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि यार किसी एक फीचर की वजह से वो बहुत आगे भाग रहे हो, तो हम उसको 0 से 1 तक के बीच में सारे फीचर्स को इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ले आए कि कोई एक पर्टिकुलर फीचर इम्पैक्ट ना डाले आउटपुट के ऊपर, ठीक है. इसीलिए हम ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप लेते हैं. फिर बाद में फीचर सिलेक्शन हो गया, थर्ड स्टेप है ये. तो क्लासिफिकेशन मॉडल इज फीचर सिलेक्शन. फीचर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द मोस्ट रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स इन द डेटा सेट फॉर क्लासिफिकेशन. तो हम फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, कौन सा ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट है. इसको थोड़ा सा मैं दूसरा दूसरे कलर से कर देता हूँ कि भैया कौन सा फीचर मोस्ट रेलिवेंट है, उसके ऊपर 3 स्टार लगाओ और उसके साथ आगे बढ़ जाओ, ठीक है. फिर कोरिलेशन एनालिसिस. हम कोरिलेशन जो है उसको एनालिसिस करेंगे कि भाई साहब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो फीचर्स हैं कोई उनके बिटवीन कोई कोरिलेशन तो नहीं है. फीचर्स दैट आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर कैन बी रिमूव्ड एज दे डू नॉट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्लासिफिकेशन. मतलब दो पर्टिकुलर फीचर्स हैं और दे आर हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर, तो आई डोंट थिंक सो कि उनमें से किसी एक को ही रहना चाहिए. दूसरा नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ही मतलब वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से. सो दैट वी नीड टू डू. एंड एट लास्ट वी हैव इंफॉर्मेशन गेन. सो इंफॉर्मेशन गेन इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ फीचर प्रोवाइड्स फॉर क्लासिफिकेशन. फीचर्स आर हाई इंफॉर्मेशन गेन आर सेलेक्टेड फॉर क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस से गुजरे हैं. हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया है. इनपुट देने से पहले हमने उसको प्री प्रोसेस किया है, उसके ऊपर साम नाम दंड भेद सारे लगाकर हमने उसको सही किया है और अब इसके साथ में हम काम कर रहे हैं. सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. अगला जो स्टेप है वो ये है कि
हमारे पास में है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप वी हैव प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल, PEL, it should be PLE होना चाहिए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा सेट। कि यार उसकी डायमेंशन इतनी ज़्यादा है ना, कि उस डायमेंशन को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो PCA आइडेंटिफाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द डेटा सेट एंड रिमूव्स द रिडेंडेंट वंस। रिडेंडेंट वंस को रिमूव करने का मतलब ये है कि यार एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही है, एक ही फीचर एक ही बात को दोहरा रहा है, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया कौन सा बढ़िया है, इसके अंदर हम डायमेंशनलिटी को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। सो इट इज रिड्यूसिंग, रिड्यूस द डायमेंशनलिटी, यहाँ पर हम रिड्यूस कर रहे हैं डायमेंशनलिटी को। ठीक है, सो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। एंड एट लास्ट, दिस इज नॉट लास्ट, दिस इज हेयर वी आर सेलेक्टिंग द मॉडल। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप वेयर वी आर सेलेक्टिंग द मॉडल। सो दिस इज अबाउट मॉडल सेलेक्शन। द फोर्थ स्टेप इज इन अ बिल्डिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज मॉडल सेलेक्शन। मॉडल सेलेक्शन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। कि भैया अब देखो, हमारे पास में इनपुट डेटा देने के लिए, ट्रेनिंग डेटा के लिए तैयार है सारी चीज़। अब एल्गोरिदम सेलेक्ट करो भाई, कौन सी एल्गोरिदम के साथ में जाओगे तुम? ठीक है, क्लासिफिकेशन की कौन सी एल्गोरिदम के साथ में जाओगे? सो फॉर दैट प्रॉब्लम एट दिस टाइम देर आर सेवरल एल्गोरिदम अवेलेबल, सच एज डिसीजन ट्रीज होगी, सपोर्ट वेक्टर मशीन होगी, या न्यूरल नेटवर्क हो गया। तो हमारे पास में अगले स्टेप में क्या आएगा कि SVM, आपको SVM के साथ में जाना है, या तो आपको डिसीजन ट्री के साथ में जाना है, ठीक है, या तो आपको न्यूरल नेटवर्क के साथ में जाना है। ये आपको यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत है। आपने आपका जो आउटपुट डेटा है वो भाई साहब डेटा फ्रेम आपने तैयार कर लिया है। देखो मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, देखो डेप्थ में बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें वापिस आएंगी यार। डिसीजन ट्रीज जो है वो आर आर अ सिंपल येट पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। दे डिवाइड द डेटा सेट इनटू स्मॉलर सबसेट, छोटे 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 स्मॉलर सबसेट में तोड़ते रहते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ द फीचर्स एंड कंस्ट्रक्ट अ ट्री लाइक मॉडल दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्या कर रहा है डिसीजन ट्री, क्या कर रहा है कि भाई साहब डेटा सेट को, जो सबसेट्स हैं डेटा सेट को स्मॉलर सबसेट्स में तोड़ रहा है इस तरीके से। ओके, स्मॉलर सबसेट में तोड़कर बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ द फीचर्स, उनकी फीचर की जो जो वैल्यूज है उसके आधार पे। ठीक है, कि भैया इस फीचर की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी कम है, तो इसको इधर डाल दो, इसको इधर डाल दो, इस हिसाब से वो फीचर्स को तोड़ रहा है। एंड कंस्ट्रक्ट अ ट्री लाइक मॉडल, फिर एक ट्री हो गया ये, ठीक है, दैट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन। घबरा मत भाई, ये आएगा डेप्थ में, मैं बताऊंगा आगे की वीडियो के अंदर, मैं डेप्थ में इसके बारे में बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता के आगे बढ़ रहा हूँ। सपोर्ट वेक्टर मशीन है SVM, आर अ पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम अगेन यूज फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। SVMs आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मार्जिन। ये जो है वो मैक्सिमम मार्जिन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, विच इन्वॉल्व फाइंडिंग दी हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइज दी डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लासेस। ये क्या करता है कि ये बताता है कि भाई साहब दो जो क्लासेस है उनके बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है। सपोज एक नया पॉइंट आया ये वाला, तो इसका इस क्लास से कितना डिस्टेंस है और इस क्लास से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक हाइपर प्लेन ढूंढता है, कि हम हाइपर प्लेन ढूंढ रहे हैं जो मैक्सिमाइज करता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन जो दो क्लासेस है उसको। ठीक है, अगला है न्यूरल नेटवर्क। यार न्यूरल नेटवर्क के बारे में तो कौन नहीं जानता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करने के लिए यही एल्गोरिदम यूज करते हैं। दे इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है एंड कंसिस्ट मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स।
और इनके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स मल्टीपल लेयर्स पे है। मॉडल ट्रेनिंग, अब भैया मॉडल को ट्रेन करना, इसके अगली स्टेप है मॉडल को ट्रेन करना। मॉडल सिलेक्शन तो हो गया है, अब भैया मॉडल को ट्रेन करना है हमें, ये टास्क। द फिफ्थ स्टेप, दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज द फिफ्थ स्टेप इन बिल्डिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग इन्वॉल्व यूजिंग द सिलेक्टेड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम टू लर्न द पैटर्न्स इन द डेटा। द डेटा इज डिवाइडेड इनटू अ ट्रेनिंग सेट एंड द वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन टेस्ट सेट को मैं टेस्टिंग सेट भी बोल देता हूँ, ठीक है। डेटा हमारा डिवाइडेड है 80-20 वाला रूल जो मैंने बताया था पहले, ठीक है, पहली वाली वीडियोस में। तो 80% डेटा ट्रेनिंग के काम में आ रहा है और आगे का 20% जो डेटा है वो वैलिडेशन के लिए काम में आएगा, वैलिडेशन के काम में आएगा, ठीक है। सो द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग द ट्रेनिंग सेट एंड इट्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑन द वैलिडेशन सेट। और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट की जाएगी किसके आधार पे, ऑन द वैलिडेशन सेट के आधार पे, ठीक है। इस जो वैलिडेशन सेट के आधार पे इसकी, इस जो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है, वी विल मेक श्योर व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मॉडल। सिक्स्थ स्टेप, मॉडल इवैल्यूएशन। देखो मॉडल को इवैल्यूएट भी तो करना है, यहाँ पर है मॉडल इवैल्यूएशन अगले स्टेप में। तो दिस इज द सिक्स्थ स्टेप इन बिल्डिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल। इन मॉडल इवैल्यूएशन इज मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन्ड मॉडल ऑन अ टेस्ट सेट। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि मॉडल इवैल्यूएशन क्या करता है कि उसके अंदर है कि वो हम असेसिंग कर रहे हैं जो परफॉर्मेंस है ट्रेन्ड मॉडल का, वही जो टेस्ट सेट है उसके आधार पे हम एक असेसिंग, मतलब एक तरीके से असर्शन कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं कि द डेटा जो हम दे रहे हैं वो सही है नहीं है। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द मॉडल जनरलाइजेज वेल। क्लासिफिकेशन इज वाइडली यूज टेक्निक इन द डेटा माइनिंग एंड इज अप्लाइड इन वेराइटीज ऑफ डोमेन्स सच एज ईमेल फिल्टरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड मेडिकल डिग्नोसिस। सो दिस इज द लास्ट स्टेप आई थिंक इन डेटा दिस क्लासिफिकेशन बिल्डिंग मॉडल। सो लेट्स रिवाइज एंड लेट्स टॉक वन बाय वन वंस मोर टाइम। सो फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फीचर सेलेक्शन। अंडर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर सेलेक्शन टेक्निक्स, देन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देन मॉडल सेलेक्शन, देन वी हैव अंडर मॉडल सिलेक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ मॉडल, बट आई हार्डली टॉक्ड अबाउट द थ्री, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड न्यूरल नेटवर्क्स। देन वी विल ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, देन मॉडल इवेल्युएशन एंड लास्ट दिस इज द पॉइंट वेयर वी इवेल्युएट द मॉडल, वेयर वी थिंक दैट मॉडल इवेल्युएशन जो इन्वॉल्व करता है वो करता है कि असेसिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन्ड मॉडल ऑन अ टेस्ट डेटा, असेसिंग करता है यार, सीधी सी बात बता दूँ तो, ठीक है। देखो एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो असेसिंग वर्ड मैं यूज़ करता हूँ ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या एस्टिमेट करना उसकी कोई प्राइस को या फिर उसकी वैल्यू को, ठीक है। और इवेल्युएट करने से मतलब है, या फिर मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ उसके नेचर को, उसकी एबिलिटी को, उसकी क्वालिटी को। यहाँ पर क्वालिटी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को, जो उसकी क्वालिटी है परफॉर्मेंस की, जो क्वालिटी है, जो ट्रेंड मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी, मैं लिख देता हूँ क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेंड डेटा, ट्रेंड नॉट डेटा मॉडल, किसके आधार पे, ऑन अ वैलिडेशन सेट या टेस्ट सेट बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको इसके आधार पे। तो मतलब ये बता रहा है कि भाई अपना जो मॉडल है वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।